सत श्री अकाल, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम पफ वाली बाजू की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारी बाजू का कपड़ा है और ये हमने चार बार फोल्ड करके रखा है क्योंकि हम दो बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह ओपन साइड है और जो बंद साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी है और ये बाजू की लंबाई है। तो पहले हम आगे बाजू की मोरी में जितना हम आगे फट्टा फोल्ड करना है हम वहाँ पर निशान लगाएंगे। तो डेढ़ इंच का हम आगे फट्टा फोल्ड करेंगे। तो डेढ़ इंच पर हम निशान लगा लेते हैं और सीधी लाइन लगा लेंगे और बाजू की मोरी हमारी 6 इंच तैयार है। तो हम 6 इंच पर निशान लगा लेते हैं और आगे हम 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो बाजू की लंबाई हमने ज़्यादा ली है क्योंकि पफ स्लीव बाजू में जो है वो बाजू की लंबाई ज़्यादा रखते हैं और मोड़ा भी हमने 12 इंच लिया है। तो मोड़ा भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। जैसे नॉर्मल हमारा मोड़ा 10 इंच है तो हमने 12 इंच मोड़ा लिया है। तो यहाँ से अब हम बाजू की लंबाई रखेंगे। तो बाजू की लंबाई हमारी 14 इंच तैयार है। तो हम 14.5 इंच रखेंगे, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा। 14.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है और आगे हमारा जो है वो 5 इंच है। तो 5 इंच का ही हम ऊपर हम रहने देंगे। 5 इंच जो है काफ़ी है। तो टोटल हमने बाजू की लंबाई जो है वो 21 इंच ली है। जो हमने आगे 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वहीं पर हमारा पफ तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने 14.5 इंच पर निशान लगाया है। तो नीचे भी हम ऐसे ही 14.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और सीधी लाइन लगा लेंगे। यहाँ से हम नीचे 3 इंच पर निशान लगा लेते हैं और यहाँ हम गोलाई दे देते हैं। और इस निशान को उस निशान से मिला लेते हैं और लाइन लगा लेंगे। और यहाँ हमने आगे 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो ये हम रहने देंगे। और मोड़ा हमने जो है 12 इंच लिया है तो 12 इंच का हाफ हम 6 इंच होता है तो 6 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमने निशान लगाया है, यहाँ पर हम ऐसे गुलाई देंगे। और यहाँ पर भी हम ऐसे ही गुलाई दे देते हैं इस तरह से। तो जो हमने अब यहाँ पर ऐसे गुलाई दी है यहाँ पर ही अब हमने जो है वो कटिंग करनी है क्योंकि जो आगे हमने 5 इंच लिया है वहाँ पर ही हमारा जो है वो पफ तैयार होगा, वहीं पर हमने जो है प्लेस डालने हैं। तो अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पर निशान लगाए थे तो दूसरी तरफ भी हम ऐसे निशान लगा लेते हैं। यहाँ तक हमने जो है वो प्लेस डालने हैं। तो यहाँ पर हम कैंची से हल्का सा कट लगा लेते हैं। तो अब हम बाजू को खोल लेते हैं। तो बाजू के सीधी तरफ ही हमने जो है वो प्लेस डालने शुरू करने हैं। तो ये बाजू का सीधा तरफ है तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है प्लेस डालने हैं और प्लेट्स का मुंह जो है वो ऊपर की तरफ ही हमने रखना है। जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक ही हमने प्लेस डालने हैं। दोनों तरफ जो प्लेट्स का मुंह हम ऊपर की तरफ ही रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो है वो प्लेट्स डाल लेते हैं। तो पहले हमने दोनों तरफ जो है वो निशान जो है वो लगा लिए हैं और सेंटर में बाजू के ऊपर हम जहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे तो इस तरह से हम बाजू को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेते हैं और यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं।
यहीं से हमने जो है वो प्लेस डालने शुरू करने हैं। और जहाँ हमने नीचे तक निशान लगाया है वहाँ तक हम प्लेस डालेंगे। वो प्लेट्स का मुंह हम जो है वो ऊपर की तरफ ही हमने रखना है। और हमने मशीन का जो है वो बड़ा टांका कर लिया है। और जो हमने निशान लगाया है यहीं से हम जो है प्लेट्स डालने शुरू करेंगे। तो बिल्कुल छोटे छोटे हमने जो है प्लेट्स डालने हैं। और ये हम बाजू के सीधी तरफ ही हम प्लेट्स डाल रहे हैं। जहाँ तक हमने जो निशान लगाया है वहाँ तक अब हम ये प्लेट्स जो है वो डाली हैं। और टोटल हमने जो है वो 5 प्लेट्स डाले हैं। तो दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही 5 प्लेट डाल लेते हैं। और जो हमने निशान लगाया है यहीं से हमने प्लेट्स डालने शुरू करने हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दूसरी तरफ भी हमने प्लेट्स डाल लिए हैं। तो इस तरह से हमारी बाजू में ऊपर जो है वो पफ बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम जो है बाजू की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और इसको बाजू को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। अंदर की तरफ सीधा है तो बाजू की मोरी में भी हमने जो है वो फट्टा फोल्ड कर लिया है। और अब हम इसको कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो पहले हम निशान लगा लेते हैं। तो हम बाजू ले लेते हैं। तो ये हमारे बाजू का मोड़ा है। तो पहले हम इसको बराबर करके यहाँ पर निशान लगाएंगे ताकि हमारे बाजू का जब बड़ी ना हो। तो इस तरह से हम बराबर रखकर जहाँ पर हमारी बाजू की फिटिंग की सिलाई है उसके सामने ही बिल्कुल हमने यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। और अब हम बाजू की मोरी पर निशान लगाएंगे। तो बाजू की मोरी हम जो है वो 5.5 इंच रखेंगे। तो 5.5 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। अब दोनों निशानों को मिला लेते हैं और सीधी लाइन लगा लेंगे। तो हम जो है बाजू को अब फिटिंग की शेप देंगे। तो अंदर की तरफ हम थोड़ी गोलाई में हम निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी बाजू जो है थोड़ी फिटिंग में आए। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई जो है वो लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद बाजू को सीधा कर लेते हैं और इसको अब हम जो है कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। जो कुर्ती का तीरा है वो जो हमने प्लेट्स डाले हैं छोटे छोटे वहीं से हमने बाजू को अटैच करना है ताकि ये बराबर आ सके। तो बिल्कुल जो है वो बराबर आने चाहिए। तो ऊपर से ही हमने बाजू जो है वो जोड़नी शुरू करनी है। तीरे से ही हम जो है वो बाजू जोड़नी शुरू करेंगे ताकि जो हमने प्लेट्स डाले हैं वो ऊपर सेंटर में आ सकें। और अब हम जो है वो बाजू को कुर्ती के साथ अटैच कर लेते हैं और पूरी गोलाई में सिलाई जो है वो लगा लेते हैं।
बाजू को हमने कुर्ती के साथ अटैच कर लिया है। अब हम बाजू को सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो पफ स्लीव्स हैं वो बनकर तैयार हो गई है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इस तरह से हमारी पफ स्लीव बाजू जो है वो बनकर तैयार हो गई है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।